अंबेडकर पार्क में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मनाया जीत का जश्न, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर दी बधाइयां। दरअसल एक ओर जहां उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत दर्ज कराई है, तो वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। दरअसल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में एक ओर जहां भाजपा की जीत पर भाजपा ही जमकर जश्न मना रहे हैं, तो वहीं पंजाब में मिली आपकी इस ऐतिहासिक जीत पर आम आदमी के कार्यकर्ता भी जश्न मनाने से पीछे नहीं हटे। दरअसल पंजाब में आम आदमी पार्टी को मिली ऐतिहासिक जीत पर आज आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने शहर के सिविल लाइन क्षेत्र अंबेडकर पार्क में पहुंचकर एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए आम आदमी पार्टी की इस जीत की खुशी का इजहार किया है। वहीं अंबेडकर पार्क में आयोजित आम आदमी पार्टी के इस कार्यक्रम के विषय में जानकारी देते हुए आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी रविंद्र भाटिया ने कहा कि पूरे हिंदुस्तान को पता है कि हमने पंजाब में आम आदमी पार्टी द्वारा ऐतिहासिक जीत हासिल की है। इसी उपलक्ष्य में आम आदमी पार्टी द्वारा इस जीत की खुशी में हमने बाबा साहेब अम्बेडकर की जीत मनाते हुए और एक संविधान की जीत मनाते हुए अम्बेडकर पार्क में हमने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए इस जीत को सेलिब्रेट किया है, जिसमें आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर उनको बधाई दी है। वहीं इस मौके पर जाबिर हुसैन, रविंद्र भाटिया, आसिफ सैफी, सुशील शुक्ला, अजय कुमार, अनिल विश्रोई, डॉक्टर नजरुद्दीन मोहम्मद, अजीम, ममता गुप्ता, गुड़िया खान, जेवा एवं अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। मुरादाबाद से संवाददाता मनोज कश्यप की रिपोर्ट अभी न्यूज़ के लिए। मेरा अनिल विश्रोई। क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर जो कार्यक्रम कैप्चर करेंगे? पहले दिल्ली जीती, अब पंजाब जीता, अब पूरे देश की बारी है। आने वाले समय में इंकलाब आएगा। अरविंद केजरीवाल जी ने कल ऐलान कर दिया है कि अभी दो राज्य हैं, राष्ट्रीय पार्टी घोषित हो जाएगी और जैसे हमने दिल्ली मॉडल अच्छा करा था, ये पंजाब करेंगे। मेरा नाम रविंद्र भाटिया है, मैं आम आदमी पार्टी से हूँ। क्या कार्यक्रम किया आपके द्वारा? देखिए, आप पूरी दुनिया को पता हो चुका है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की परचम जीत हुई है। 117 में से 92 सीट जीती है। जो दिल्ली गवर्नर थी अरविंद केजरीवाल के काम करने के तरीके से, बढ़िया स्कूल, बढ़िया अस्पताल, उस चीज़ों को पंजाब के लोगों ने सराहा और पंजाब में आम आदमी पार्टी को एक ऐतिहासिक बहुमत दिया, जिसके द्वारा आम आदमी पार्टी 92। हम ये कहते हैं कि आज इस देश की राजनीति अलग दिशा पर चलेगी। जो काम की राजनीति होगी, जाति और बिरादरी की राजनीति नहीं होगी। इस बार अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में दिखा दिया, जिस तरीके से हमने दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूल इतने बेहतर बना दिए हैं कि प्राइवेट स्कूल तो पीछे छोड़ दिया, और जो सरकारी अस्पताल है इतने बढ़िया बना दिए हैं कि नर्सिंग होमों की लूट खत्म कर दी है। उस लूट से बचने के लिए, उन प्राइवेट अस्पतालों की लूट से बचने के लिए, प्राइवेट स्कूलों की लूट से बचने के लिए यहाँ की जनता को भी, उत्तर प्रदेश की जनता को भी एक विकल्प के रूप में अरविंद केजरीवाल को 2027 में चुनना पड़ेगा। जो काम दिल्ली में हो सकते हैं, पंजाब में हो सकते हैं, वो काम यूपी में भी होंगे। चुनेंगे, जाति बिरादरी और धर्म की राजनीति को खत्म करेंगे, 80-20 की राजनीति को खत्म करेंगे। उत्तर प्रदेश में भी ऐसा होगा तो 2027 में आम आदमी पार्टी सरकार। आम आदमी पार्टी। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हाँ, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आए।